ऊटी तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ऊटी का पुराना नाम उडकमंड और उदगमंडलम था। पहाड़ियों के बीच बसा ये खूबसूरत नगर नीलगिरी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। भारत के दक्षिण में स्थित इस हिल स्टेशन में कई पर्यटक आते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ऊटी स्वर्ग है। यहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली, चाय के बागान, तरह तरह की वनस्पतियां आपको बांध कर रख लेती हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के कारण इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन, नीले पर्वत भी कहा जाता है। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस स्थान का नाम यहाँ की घाटियों में 12 वर्ष में एक बार फूलने वाले कुरुजी फूलों के कारण पड़ा। ये फूल नीले रंग के होते हैं तथा जब ये फूल खिलते हैं तो घाटियों को नीले रंग में रंग देते हैं। ऊटी की स्थिति के कारण यहाँ का मौसम पूरे वर्ष खुशनुमा रहता है। हालांकि ठंड में दक्षिण भारत के अन्य भागों की तुलना में यहाँ का मौसम अधिक ठंडा होता है। औपनिवेशिक विरासत। इस शहर में ब्रिटिश संस्कृति तथा वास्तुकला का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे ही आप इस शहर में प्रवेश करते हैं वैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि इस शहर पर ब्रिटिश लोगों का प्रभाव है। कला और इमारतों की वास्तुकला, घरों के डिजाइन और निर्माण की शैली सभी कुछ ब्रिटिश काल से मिलता जुलता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन पर ब्रिटिश परंपराओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में गौर करने पर यह हिल स्टेशन सुंदर अंग्रेज गांव की तरह दिखता है। शायद यही कारण है कि इस शहर को अधिकतम आय पर्यटन से होती है। ब्रिटिश यहां की जलवायु तथा प्राकृतिक सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस स्थान का नाम ऊटी, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन रखा। इस शहर के इतिहास की जानकारी थोड़ा जनजाति से मिल सकती है क्योंकि 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ होने के पहले यहां इसी जनजाति का शासन था। यहां सदियों से ज्यादातर तोडा जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन ऊटी की वास्तविक खोज करने और उसके विकास का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। 1822 में कोयंबटूर के तत्कालीन कलेक्टर जॉन सुविलियन ने यहां स्टोन हाउस का निर्माण करवाया था, जो अब गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य का चैम्बर है और ऊटी की पहचान भी। ब्रिटिश राज के दौरान ऊटी मद्रास प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अंग्रेजों के लिए यह एक छिपे हुए खजाने के समान था क्योंकि वे दक्षिण भारत के किसी भी अन्य शहर के गर्म और नम मौसम को सहन नहीं कर सकते थे। वे इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने ऊटी के निकट स्थित वेलिंगटन शहर में मद्रास रेजिमेंट की स्थापना की। उस दिन से वेलिंगटन में मद्रास रेजिमेंट का केंद्र बना हुआ है। इसके कारण ऊटी ब्रिटिश लोगों में ग्रीष्म सप्ताहांत स्थान के रूप में लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऊटी का विकास भी किया तथा यहाँ नीलगिरी में चाय, सागौन और सिंकोना का उत्पादन प्रारंभ किया। ऊटी में तथा इसके आसपास चाय और कॉफी के अनेक बागान हैं। स्थानीय खाद्य पदार्थों पर भी अंग्रेजी डिशेज खाद्य पदार्थों का प्रभाव दिखाई देता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको ऊटी में अंग्रेजी और भारतीय मसालों के सम्मिश्रण से बना सबसे उत्तम खाना खाने मिल सकता है। ऊटी के प्रमुख पर्यटक स्थल बॉटनिकल गार्डन। जो लोग प्रकृति प्रेमी हैं, हरियाली देखने, घूमने फिरने के शौकीन हैं और दुर्लभ फन और अन्य पौधे देखना पसंद करते हैं, उनके लिए इस बॉटनिकल गार्डन से बढ़कर दूसरी कोई बेहतर जगह नहीं। और यहाँ के दर्शनीय स्थलों में सबसे पहला नाम बॉटनिकल गार्डन का ही आता है। ये गार्डन 22 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ लगभग 650 दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधों के साथ साथ अद्भुत ऑर्किड, रंग बिरंगे लिली, खूबसूरत झाड़ियाँ व 2000 साल पुराने पेड़ का अवशेष देखने को मिलता है। इन खूबसूरत उद्यानों का रखरखाव राज्य के बागवानी विभाग के हाथ में है। यहाँ घूमने आने वालों को देखने के लिए सबसे पहले यही जगह सजेस्ट की जाती है और यह भी इतना सुंदर कि हर किसी का मन मोह लेता है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी उपयुक्त है। इस वनस्पति उद्यान की स्थापना सन 1847 में की गई थी। इनमें पौधों और वृक्षों की सैकड़ों हजारों प्रजातियां हैं। इनमें एक ऐसे वृक्ष का भी जीवाश्म है जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि वह 2 करोड़ वर्षों से भी अधिक पुराना है। रोज गार्डन। इस गार्डन की स्थापना 1995 में की गई थी। यह उद्यान 10 एकड़ में फैला हुआ है। रोज गार्डन में लगभग 200 प्रकार के गुलाब के फूलों का संग्रह है। रोज गार्डन को दक्षिण एशिया का सबसे उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है। ये भारत का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। दोदाबेटा पीक, ये 2623 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जिले का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ से आप ऊटी के आसपास के क्षेत्र का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यह ऊटी से केवल 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ से घाटी का नजारा अद्भुत दिखाई पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब मौसम साफ होता है तब यहाँ से दूर के इलाके भी दिखाई देते हैं, जिनमें कोयंबटूर के मैदानी इलाके भी शामिल हैं। ऊटी झील। इस झील का निर्माण यहाँ के पहले कलेक्टर जॉन सुविलियन ने सन 1825 में करवाया था। ये झील 2.5 किलोमीटर लंबी है। इस झील का एरिया लगभग 65 एकड़ का है। ऊटी झील को देखना अपने आप में एक अनोखा और सुखद अनुभव है। झील के चारों ओर फूलों की क्यारियों में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। झील में मोटर बोट, पैदल बोट और रो बोट्स में बोटिंग का लुत्फ भी उठाया जा सकता है।
यहाँ आने वाले पर्यटक बोटिंग और मछली पकड़ने का आनंद ले सकते हैं। मछलियों के लिए चारा खरीदने से पहले आपके पास मछली पकड़ने की अनुमति होनी चाहिए। यहाँ एक बगीचा और जेटी भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रतिवर्ष 12 लाख दर्शक यहाँ आते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हिमरेखा में नहीं आती, लेकिन गर्मियों में यहाँ का तापमान दिन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता और रात में 10 डिग्री तक गिर जाता है, जिसका अंदाज बाहर के पर्यटकों को नहीं होता, क्योंकि वे यह मानकर चलते हैं कि दक्षिण भारत का पहाड़ी सैरगाह होने की वजह से यहाँ भी गर्मी होगी, जिसके चलते यहाँ आने के बाद ज्यादातर पर्यटकों को गर्म कपड़े खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर अगर बारिश हो जाए तो तापमान और भी नीचे आ जाता है। मदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। मुदुमलाई नेशनल पार्क यह ऊटी से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर वनस्पति और जंतुओं की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं और कई लुप्तप्राय जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। हाथी, सांभर, चीतल, हिरन आसानी से देखे जा सकते हैं। जानवरों के अलावा यहाँ रंग बिरंगे पक्षी भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अभयारण्य में ही बना थेपाकडू हाथी कैंप बच्चों को बहुत लुभाता है। कालहट्टी वाटरफॉल्स। कालहट्टी वाटरफॉल्स। कालहट्टी की ढलानों पर खूबसूरत रमणीय कालहट्टी जलप्रपात लगभग 100 फुट ऊंचा है, जो शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। कालहट्टी जलप्रपात ऊटी का एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यहाँ अनेक प्रकार के पर्वतीय पक्षी भी देखे जा सकते हैं। झरने के अलावा कालहट्टी मसिनागुड़ी की ढलानों पर जानवरों की अनेक प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं, जिसमें चीते, सांभर और जंगली भैंसा शामिल हैं। डॉल्फिन्स नोज। डॉल्फिन नोज ऊटी। ऊटी में डॉल्फिन्स नोज एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। डॉल्फिन्स नोज अपने नाम की तरह ही रोचक व रोमांच पैदा करने वाला स्थल है। यहाँ से पूरी घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मौसम साफ हो तो यहाँ से कोटागिरी के कैथरेज फॉल्स का नजारा भी देखा जा सकता है। यहाँ बच्चों के साथ आउटडोर पिकनिक का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। यहाँ आने का एक फायदा यह है कि वहाँ से आसपास के इलाकों का समग्र दृश्य देख सकते हैं। अगर दिन साफ हो तो वहाँ से कैथरीन जलप्रपातों को भी देख सकते हैं। कोटागिरी हिल। कोटागिरी हिल्स। कोटागिरी हिल ऊटी से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोटागिरी हिल प्राकृतिक सुंदरता के लिए दर्शनीय स्थल है। यहाँ के चाय बागानों को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। नीलगिरी के तीन हिल स्टेशनों में से यह सबसे पुराना है। यह ऊटी और कुन्नूर के समान प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इन दोनों की अपेक्षा कोटागिरी का मौसम ज्यादा सुहावना होता है। यहाँ बहुत ही सुंदर हिल रिजॉर्ट है, जहाँ चाय के बहुत खूबसूरत बागान है। हिल स्टेशन की सभी खूबियां यहाँ मौजूद लगती हैं, इसलिए ऊटी जाएं तो कोटागिरी की सैर के लिए जाना ना भूलें। अवलांचे झील। अवलांच लेक। ऊटी से 28 किलोमीटर की दूरी पर यह झील स्थित है और यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। आप चाहे तो यहाँ फिशिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यही पास ही में फिशिंग के लिए उपयोगी इक्विपमेंट भी उपलब्ध हो जाते हैं। लैम्स रॉक। ये कुन्नूर से केवल 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप कोयम्बटूर के नजारों और आसपास के इलाकों के चाय बगानों के सुरम्य दृश्य देख सकते हैं। यहाँ का हर दृश्य फोटो खींचने लायक है। 13. स्टोन हाउस। स्टोन हाउस ऊटी। सन 1822 में बना हुआ ब्रिटिश गवर्नर जॉन सुलिवान का ये बंगला ऊटी में बना हुआ पहला बंगला है। आज के समय में यह ऊटी में स्थित गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल को निवास के रूप में दिया जाता है। ऊटी माउंटेन रेलवे और स्टीफेंस चर्च। ऊटी में मौजूद ये रेलवे 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। यहाँ ट्रेन आज भी पुराने तरीके के अनुसार भाप के इंजन द्वारा ही चलती है। यहाँ स्थित स्टीफेंस चर्च 19वीं शताब्दी में बना हुआ नीलगिरी के प्राचीन चर्च में से एक है। यहाँ आप हमारे देश की प्राचीन कला को देख सकते हैं। सर्दियों में यहाँ मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसके अलावा साल के हर महीने यहाँ का मौसम सुहाना होता है, परंतु ऊटी जाने वाले पर्यटकों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सर्दियों में यहाँ का तापमान शून्य के भी नीचे होता है। यहाँ से सबसे नजदीक हवाई अड्डा कोयम्बटूर है, जो कि 100 किलोमीटर दूर है। आप चेन्नई, कोझिकोडे, बंगलो और मुंबई से कोयम्बटूर के लिए सीधी उड़ान भर सकते हैं। मेतुपुलयम बड़ी लाइन का रेलवे स्टेशन है। बड़ी लाइन का प्रमुख रेल जंक्शन कोयम्बटूर है, जो कि सभी बड़े नगरों से मिला हुआ है। यहाँ ठहरने के लिए बहुत से होटल मिल जाएंगे, जैसे डेक्कन पार्क रिजॉर्ट, होटल वेलबैक रेजिडेंसी, होटल लेक व्यू, होटल ऊटी आदि। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके अपना थोड़ा सा प्यार दिखाएं। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।